ठैंक कैसे लगती है। इससे पहले हमने आपको बताया था उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी लड़ने का तरीका क्या है। आज हम आपको बताएंगे उसकी चलाई कैसे जाती है, हाथ किस तरीके से चलते हैं, खैच सबसे जरूरी क्या होती है कुश्ती चलाने में, खैच मारनी होती है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, जब खैच मारते हैं तो अपने पैरों पर मारते हैं, और वो जब पैरों पर मारते हैं तो उसका जो अपोनेंट होता है वो पट लग जाता है। तो खैच मारने का एक तरीका है, अगर वो आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा पहलवान है वंश, आपको बताता हूँ खैच कैसे मारते हैं। जब भी हम कुश्ती चलाएंगे, हमने पहले भी बताया था, ये जो पैर आगे होगा वही हाथ आगे होगा, ये तीनों चीज़ कंधा घुटना और पंजा, ये तीनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, कुश्ती लड़ने से पहले लड़ने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं खैच कैसे लगती है। जैसे हम गए कुश्ती में, हाथ मिलाए, हाथ मिलाते ही जब पोजीशन बनाते ही चलाने के लिए जब तैयारी करते हैं तो खैच क्या होता है, कुछ बहुत से लोग यहाँ से मारते हैं, बहुत से लोग यहाँ से मारते हैं। खैच का जो सही तरीका है, ये कान पर कान के आसपास एक नली टच हो जानी चाहिए, ऐसे ऐसे, इसके बिल्कुल इससे ना ऊपर ना इससे नीचे, इस हिस्से के बीच में हमारे गाने से कोशिश करो ये कान पर आपकी उंगली टच ना हो, तो तुम इसके गाइड देना चाहो। ऐसा नहीं, यहाँ से जब खैच मारोगे ये खैच नहीं, खैच ले जाए। और हम बहुत लोग क्या करते हैं, खैच ये मारते हैं, ये और वो दूसरा अपोनेंट पट में लग जाता है, लेकिन खैच ऐसे नहीं मारते। खैच मारने का तरीका ये है, जब हम इसके खैच मारेंगे तो ये जो हमारा हिस्सा आएगी ये खैच नहीं लग जाए, इसको बोलते हैं ये, यहाँ से उसकी चलाते इसको बोलते हैं खैच। तो आपको हमारा तरीका पसंद आया तो इसको यूज करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।